दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन का आज 29वां दिन और 28वें दिन यानी जो बीता कल है, मैं समझता हूं कि सरकार के लिए बहुत ही बेहतर मौका था जब वो गतिरोध को तोड़कर और चौधरी चरण सिंह जो किसान दिवस मनाया जाता है, जिनकी बर्थडे, जिनके जन्मदिन को नेशनल फार्मर्स डे के दिन वो कोई बड़ा इनिशिएटिव ले सकती थी। अगर वो सचमुच किसानों की हितैषी थी, अगर वो सचमुच चाहती थी कि किसान इन सर्द रातों में, इतनी सारी उनकी शहादत हुई है, तकरीबन लोग जो संख्या अलग अलग आ रही है मीडिया में, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि 3 दर्जन के आसपास अब तक किसान मृत्यु उनकी हो चुकी है, ठंड से, बीमारी से, रास्ते में आते जाते। तो कुल मिलाकर इतनी जो क्षति हो रही है देश की, समाज की, पूरे हमारे 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 किसान भाइयों की, उसमें सरकार एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करके कल के दिन को ऐतिहासिक दिन बना सकती थी, लेकिन चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को भी उसने जाने दिया। उसने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, सिर्फ कहीं फूल माला चढ़ाई गई सरकार के मंत्रियों और तमाम अहदेदारों की तरफ से। लेकिन दोस्तों, अभी जो स्थितियां हैं 29वें दिन अगर हम बात आपसे कर रहे हैं कि दोनों तरफ से एक जोर आजमाइश है कि कौन इस गतिरोध को तोड़ने के लिए पीछे हटेगा। सरकार कह रही है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सरकार ये कह रही है कि भारत के किसान तो हमारे साथ हैं, केवल ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ लोग हैं जिनको बरगला दिया गया है, जिनको गुमराह कर दिया गया है, जो खालिस्तानी प्रभाव में है, जो देशद्रोही एलिमेंट्स के प्रभाव में है, जो वामपंथी या नक्सली या तमाम तरह के, यहां तक कि पाकिस्तान और चाइना का भी नाम जोड़ा जा रहा है, कनाडा का नाम तो पहले ही लिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जब किसान आंदोलन पर तोहमत के तौर पे थोपी जा रही हैं, वैसे दौर में अगर सरकार ये कहती है कि नहीं तो हम तो बात करने को तैयार हैं, तो आप बात क्या करेंगे? जब आपको लगता है कि पूरे देश के किसान सरकार द्वारा पारित कराए गए 3 कृषि विधेयकों के पक्ष में है, तो फिर आप बात कैसे करेंगे किसानों के साथ? अब आज ही मैं देख रहा था, कृषि मंत्री ने, तोमर साहब ने ये बताया कि बागपत के किसान आए थे और उनसे उन्होंने कहा कि किसान जो है, सारे किसान जो देश के हैं वो इस 3 बिल के साथ हैं, 3 कानूनों के साथ हैं। अब सवाल इस बात का है कि बागपत, चौधरी चरण सिंह का इलाका, वहां के किसान आते हैं, लेकिन बागपत के सारे किसान यहां पर वैशाली के पास जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, दिल्ली बॉर्डर, गाजीपुर के पास, वहां पर जुटे हुए हैं, तो आप किस किसान की बात कर रहे हैं? ये कौन किसान है जो आपके यहाँ आकर बता रहे हैं कि किसानों का को किसानों के हितों के खिलाफ जो बिल लाया गया है उस पर वो आपके साथ हैं? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बरगलाने की जो बात है वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से दिखाई दे रही है, अगर बिल्कुल साफ साफ देखा जाए। क्यों नहीं सरकार ये कहती है कि किसान आंदोलन एक असलियत है जिससे हमने इतने चक्र विज्ञान भवन में चर्चा चलाई, हम आगे भी चलाएंगे, कृषि विधेयकों पर चलाएंगे, कानूनों पर चलाएंगे, और ये जो 3 कानून जो पास किए गए हम उनके बारे में डिस्कशन करने को तैयार हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम तो उनको 3 कानूनों पर कन्विंस करेंगे, उनको समझाएंगे, तो भाई समझाने के लिए तो किसान इतनी सर्द रातों में 29 दिन से नहीं बैठे हैं, वो पढ़े लिखे किसान हैं, समझदार हैं, और उनके नेता तो और समझदार हैं, उसमें प्रोफेसर्स हैं, उसमें डॉक्टर हैं, उसमें इंजीनियर हैं, उसमें सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम तरह के लोग हैं जो किसानी भी करते हैं, और साथ साथ उनके बिजनेस में उनके बाल बच्चे पढ़े लिखे लोग हैं। अभी जो किसान आंदोलन, अच्छा दूसरी बात एक और मुझे याद आ रही है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप तो बात करने को तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप अपने मंत्रियों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूरे देश में कैंपेन के लिए भेज रहे हैं किसान आंदोलन के विरोध में। जो किसान आंदोलनकारी हैं उन पर गुमराह हो जाने का, उन पर खालिस्तानी, कैनेडियन, चाइनीज, पाकिस्तानी, नक्सली, ना जाने कौन कौन, किनके किनके प्रभाव में आकर आंदोलन करने का आप आरोप लगाते हुए, उन पर गलत सलत आरोप नत्थी करते हुए
आप पूरे देश में अनेक जगह सैकड़ों जगह आप पब्लिक मीटिंग करने वाले हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट करने वाले हैं वर्चुअल ढंग से और जाकर के रैली करके भी। अभी मैंने देखा कि कुछ लोग चेन्नई जा रहे हैं, कुछ लोग आंध्रा जा रहे हैं, कुछ लोग पटना जा रहे हैं, कुछ लोग बंगाल जा रहे हैं। तो अगर भारत सरकार के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग जगहों पर कैंपेन कर रहे हैं इस किसान आंदोलन के खिलाफ, तो फिर आप विज्ञान भवन में क्या फिर क्यों बात करने जा रहे हैं, क्यों आप बात करेंगे? अब वो तो आपकी तो चाय भी नहीं पी रहे हैं, आपका खाना भी नहीं खा रहे हैं विज्ञान भवन में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार की तरफ से जो पहल है उसमें एक कंसिस्टेंसी नहीं है, उसमें एक ऑनेस्टी नहीं है। ऑनेस्ट होकर, कंसिस्टेंट होकर अगर पहल सरकार करती तो चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन बहुत ही बढ़िया मौका सरकार के लिए था, उसकी वाहवाही हो जाती। लेकिन सरकार ने एक नई बात कही है और सत्ताधारी दल के लोग खुलेआम कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब ये जो आंदोलन है वो तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का है, पंजाब का है, हरियाणा का है, इससे आगे तो है नहीं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हरियाणा से लोग बिहार जा रहे हैं, बिहार से लोग सिंघू बॉर्डर आ रहे हैं, राजस्थान के जत्थे आ रहे हैं, महाराष्ट्र के जत्थे आ रहे हैं, आंध्रा के नेता आ रहे हैं, तेलंगाना के लेकर नेता भाषण दे रहे हैं। अब ये तो सभी जानते हैं कि तेलंगाना आंध्रा और इस तरह के जो स्टेट्स हैं वहां के लोगों को वाकई दिल्ली की ये ठंड जो है बर्दाश्त के काबिल नहीं होती, खासकर इस मौसम में। तो बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन में इसलिए भी नहीं शामिल होते कि भाई ठंड है और बहुत सारी स्थितियां हैं, लेकिन अपने अपने इलाकों में वो धरना प्रदर्शन और तमाम तरह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी बिहार में हमने देखा तमाम जगहों पर प्रोटेस्ट हुए। और किसान आंदोलनकारियों के एक प्रमुख नेता गुरनाम सिंह ने अभी हाल में बिहार गए, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कैंपेन कर रहे हैं चारों तरफ, हमारी जो जानकारी है कि अब किसान आंदोलनकारियों ने अपने नुमाइंदों को भी देश के अलग अलग कोनों में भेजने का एक मन वो बना रहे हैं। कुछ लोग गए हैं, कुछ लोग जाने वाले हैं, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन चल पड़ा है। अभी जो मेरी जानकारी है उसमें कि बिहार के जत्थे दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं, राजस्थान से लोग आ रहे हैं, तमाम स्टेट से लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ा एक किसान जत्था चला है। तो ये कहना केवल कि ये केवल पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश का आंदोलन है, देखिए हम सबने देखा है कि रोशनी कहीं एक जगह से ही निकलती है, लेकिन रोशनी छा जाती है पूरे समाज में। कई बार वो पूरे 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 एक तमाम इलाकों को वो रोशन करती है। तो इस आंदोलन को मुझे नहीं लगता है कि लोकलाइज एक परिघटना के रूप में, एक स्थानीय परिघटना के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि ये जो कानून है पंजाब के लिए नहीं है, ये जो कानून है हरियाणा के लिए नहीं है, ये जो कानून है पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है। अगर हरियाणा में पड़े कारपोरेट हाउसेज के विशालतम गोदाम बन रहे हैं, गोदाम बन रहे हैं सामान रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, जो निश्चित रूप से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक तरह से उसकी शव यात्रा निकाली जाएगी, वो खत्म किया जाएगा, वैसे ही गोडाउन कटिहार में भी बन रहे हैं जो सुदूर बिहार में है। तो ये कहना कि ये केवल तीन ही स्टेट का मामला है, मुझे लगता है कि सरकार की ये एक गलत बयानी है और ये केवल एक किसान आंदोलन के पर्सपेक्टिव को, उसकी दिशा को, उसके दायरे को एक सीमित दायरे में रखने की एक बात है। तो मुझे लगता है कि सरकार और किसान आंदोलनकारियों में ऐसा लगता है कि ये कुछ यूं स्ट्रेटजी चल रही है कि तू डाल तो हम पात। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन देश के लिए, समाज के लिए, किसान के लिए मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि बात फैसले की तरफ नहीं बढ़ रही है, गतिरोध नहीं टूट रहा है। देखिए कब तक चीजें बदलती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।